दोस्तों आज की क्लास में कक्षा 10 की प्री बोर्ड की कॉपी देखते हैं। इसमें नंबर कहाँ पे काटे जाते हैं और अगर ऐसी कॉपी लिखी हो तो कितने नंबर दिए जाते हैं। देखो आप सबको पता होगा जो बोर्ड का पेपर होता है इसमें 7 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे और 18 नंबर का आपका डिस्क्रिप्टिव होगा। तो ये कॉपी 18 नंबर में चेक हुई है, इसमें देखेंगे। पहला क्वेश्चन, इसमें आक्सी और अनाक्सी सेशन में अंतर लिखना है, एक नंबर में पूछा गया है। तो इसने बिल्कुल सही लिखा है, इसको एक में एक नंबर दिया गया। अब आगे देखेंगे, आगे देखो अगला क्वेश्चन है, लसका व रुधिर में अंतर, दो अंतर लिखने थे, इसने दोनों लिखा, एक नंबर का था, एक नंबर दिया गया। अब आगे देखेंगे, अब अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन एक नंबर का था बट इसको आधा नंबर मिला, इसमें कमी क्या है? तो आंकड़े अपर्याप्त हैं। इसमें पूछा गया था हृदय का मुख्य कार्य क्या है और बिटिया ने लिखा हृदय का मुख्य कार्य, डैश कर दिया, कुछ नहीं लिखा था। फिर लिखा हृदय जीवन भर क्रियाशील रहता है, तो ये तो इसका कार्य तो हुआ नहीं ना। हृदय का मुख्य कार्य क्या? ब्लड को पंप करना या ब्लड को या रुधिर को शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाना। तो यहाँ पे इसका आधा नंबर काट लिया गया, ऐसे बोर्ड में भी कट जाता है नंबर। अब देखो पाचन और रुधिर दोनों मिला के 3 नंबर के थे, तो इसमें इसने अच्छा लिखा है, पाचन में भी बढ़िया लिखा। आगे देखेंगे रुधिर में, अब रुधिर में इसने सही लिखा है बट यहाँ पे देखो रुधिर का पीएच मान कितना लिखा है, 7.5 लिखा, तो यहाँ पे होगा 7.4 होना चाहिए, बाकी सही लिखा था। तो ये सब गलतियों को हम लोग बोर्ड पेपर में नहीं करेंगे, नहीं तो 90 प्लस आप नहीं जा सकते अगर गलती करेंगे। अब देखो ये मेंडल का प्रथम नियम पूछा था, ये 2 नंबर में था, इसको एक ही नंबर मिला, क्यों मिला? क्योंकि इसने आरेख नहीं लिखा है और यहाँ पे भी गलत लिखा है। इसने लिखा जब 2 जोड़ी पौधों को ध्यान में रख के, तो जब 2 जोड़ी विपरीत लक्षण वाले पौधों को ध्यान में रख के क्रॉस कराया जाता है, और इसमें आरेख भी नहीं बनाया, इसलिए इसका एक नंबर यहाँ पे काट लिया गया। अब अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, अगला क्वेश्चन परागण व निषेचन में अंतर, तो इसने सही लिखा, 3 नंबर का था, इसको 3 नंबर दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे तो 6 नंबर में पूछा गया था, इन 3 पे टिप्पणी लिखना था, तो बिटिया ने संकरण पे नहीं लिखा, परागण पे लिखा है और गौर लैंगिक लक्षण को परिभाषित किया, इसलिए इनके 2 नंबर इसमें भी क्या कर लिए गए, काट लिए गए। देखो ये हो गया क्या, गौर लैंगिक लक्षण इसने बालक और बालिका में क्या अलग अलग लिख दिया है। तो देखो आवाज भारी व मोटी हो जाती है, आवाज पतली व सुरीली हो जाती है, जननांगों पर बाल उगाते हैं, जननांगों पर बाल उगाते हैं। इसमें आप बोर्ड पेपर में जब ये लिखेंगे तो बालक में लिख देंगे, बालिकाओं की अपेक्षा इनके शरीर पर बाल क्या होते हैं, अधिक पाए जाते हैं। कंधे चौड़े हो जाते हैं, लड़कियों में स्रोत भाग फैल के चौड़ा हो जाता है। इसमें इनको 6 नंबर का था, 5 नंबर दिए गए हैं। अब इनके टोटल नंबर देखो कितने होते हैं, इनके टोटल नंबर भैया होते हैं, टोटल नंबर ये पाई है 15, कितने पाई है 15 नंबर पाई हैं, और 15 में इनके ऑब्जेक्टिव सभी सही, तो 15 में 7 ऐड कर देंगे तो कितने हो गए 22, कितने हो गए 22, तो 25 में भैया 22 नंबर पाई हैं। अगर देखा जाए इनका अप्रॉक्स स्कोर देखा जाए 100 प्लस मान के चलें 70 ये और 30 प्रैक्टिकल के, तो 90 प्लस नंबर बोर्ड में भी इनको मिल जाएंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। जय हिंद।